ना तुम्हें पीछे एक मिनट जरा दरवाजा हटो जरा सामने तो हटाओ, कौन खड़ा है उसको गेट से एंट्री मारने का फुटेज लेने दो ना यार। हाँ हाँ हो जाएंगे पीछे अपन फिर आना पीछे पीछे सर को आप सोनू भाई जरा देखो चेक तो करो और जरा आगे तो आ जाओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेरी वेरी सिपाही है मोदी जी की सेना के सिपाही है मोबाइल पीछे ले जाओ मोबाइल पीछे ले सिपाही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बहुत काम किया उनके साथ में श्री संदीप सिंह जी भी आए हुए हैं संदीप सिंह जी जो हैं वीर सावरकर जो पिक्चर थी उसके प्रोड्यूसर हैं वी आर ऑनर्ड टू वेलकम देम सोनू निगम जी ने बहुत अच्छे अच्छे उनकी जो गीत हैं सर जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आए एंड वैक्सीनेशन का काम हम देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है अगर ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है अगर आप कुछ बताना चाहें कि आप यहाँ पर आए अभी भी जैसा कि लोगों के अंदर भ्रम 1090 ना 1090 वैक्सीनेशन आज के दिन में हम लोग देने करवाने वाले हैं सहूलियत देने वाले हैं और डोर टू अभी हमारे दरवाजे पे खुद वैक्सीन आ रही है हमारी तादाद लोगों की बहुत ज़्यादा है उसके बावजूद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जैसे होता है कि उस चीज़ को पार करते जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है ऐसे ही करके हम आगे इस कोरोना को हम कम करेंगे हर इंसान अपनी कोशिश कर रहा है हम लोग मिलकर अपनी कोशिश कर रहे हैं सर ये जो अब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में जिस तरह से पहले एक टाइम था कि वैक्सीन की बहुत किल्लत थी ना आप लोगों के जरिए जिस तरह से ये हो रहा है कुछ बताना चाहेंगे मुझे लगता है कि डोरस्टेप वैक्सीनेशन एक गेम चेंजर है जिसके कारण लोगों को ये विश्वास हो सकता है कि हमको वैक्सीन ज़रूर मिल रही है 5 दिन के बाद का भी समय मिलेगा तो लोग परेशान नहीं रहते उनको ये आश्वस्त रहते हैं कि हम घर के बाहर तब निकले जब हम सुरक्षित रहे तो सुरक्षितता के नियमों के अनुसार ये डोरस्टेप वैक्सीनेशन अच्छा काम कर रहा है जिसके कारण लोगों को सोसाइटी एरिया में अपने वैक्सीन मिल रहे हैं आज से हमने भांडुप में भी एक नई मुहिम शुरू की सीएट टायर कंपाउंड में कर्मचारियों के लिए कामगार के लिए और उनके परिवार के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रारंभ किया है सर सोनू जी जैसा कि लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन ली जाए कौन सी ना ली जाए किसी के साइड इफेक्ट लोग ऐसी भी आप देख ही रहे होंगे बहुत सारी चर्चा चल रही तो जो ये लोगों का कंफ्यूजन है थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें या ये दूर करना चाहेंगे देखिए वैक्सीन्स हर वैक्सीन की अपने अपनी जो पोटेंशियल है वो हमको अगर आप ढूंढेंगे तो मालूम पड़ जाएगी किसी की 75% की 90% ऐसे है उस हिसाब से आप यहाँ पे कोविशील्ड लें या कोवैक्सीन लें आप वैक्सीन लें स्पुतनिक भी आ गई अभी और अगर आगे चल के फाइजर वगैरह भी आ जाए तो अच्छी बात जितनी वैक्सीन्स बनी रही है हमारी सेफ्टी के लिए हमारी सुरक्षा के लिए तो जिसको जो मिले जिसकी जो सुविधा जिसको उसको लेनी ही चाहिए मैंने कोविशील्ड ली है थैंक यू आई इम्पोर्टेंट वैक्सीन लाना जरूरी है हम सबको पता है लेकिन इसके इर्द गिर्द जो डर का माहौल है लोग बहुत डाउटफुल हैं दे नॉट क्लियर अबाउट वो डर के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो उस तरह का माहौल बने कि लोग निकल के आए और वैक्सीन नहीं अब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि सबसे बड़ा डर जो है
वो कोरोना कोविड होने का डर है और कोविड होने के बाद जो ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि आपको सबको भी पता है सेकेंड वेव में कितने कॉम्प्लिकेशंस अभी पैदा हो चुके हैं, यंग लोग यंग सेक्टर में एज ग्रुप में ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए ऐसे माहौल में मुझे ऐसा लगता है अब कोई ऐसा सोच नहीं रहा, जिसको जो वैक्सीन अभी अवेलेबल मिले, अभी BMC के तरफ से अभी आज भी जो एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे आयोजित किया है, जो वैक्सीन यूथ को जो अवेलेबल मिले, सिटीजन्स को जो अवेलेबल मिले, आई थिंक वो लेना बहुत ज़रूरी है। Yeah, I am very glad firstly this event is taking place and we are able to vaccinate a lot of people. I have done this, I've taken this initiative and with the support of a lot of people, with the guidance of Sonuji, the guidance of Manoj Bhaiya and Manish Ji and the committee members of Basant Park. And today I would just like to tell each and everyone that I've worn this t-shirt, each one reach one. And I want each and everyone seeing this to go out and help one person, and the other person can help another person. So together we can fight this and we can all make India a safer place. No, you started with blood donating camp, then you went for the oxygen. Yeah, so now this vaccination. Yeah. We are very close. There are possibilities. Mumbai will be getting open very soon, Maharashtra. Yeah, so I started by donating my money to my savings to the blue collared staff, because the state that they are in is really bad and I really feel for them and I owe it to them. And secondly, I donated my blood after that to start a blood donation movement, because there is oxygen scarcity and there is going, you never know when there will be a blood scarcity as well, and that is why I donated my blood as well. And post that, 105 of my friends have donated their blood as well, and many other people have donated their blood as well after I started donating my blood. So I'm really glad that the word is going out and a lot of people are taking initiatives, and now my new initiative is each one reach one. So one person should help one more person. That's it. Thank you.